अभी हम लोग क्लास 11th में आपका जो बुक है हॉर्नबिल, हॉर्नबिल में एक चैप्टर है, हॉर्नबिल में एक चैप्टर है डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूज, और इसके राइटर हैं ए आर विलियम्स, है ना। तो इसका हम लोग एमसीक्यू को देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या है उसको हम लोग देखेंगे। इस तरीके से आपका परीक्षा का भी तैयारी हो जाएगा कि इस चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है द ऑथर ऑफ द स्टोरी डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूज इज, तो एकदम रट के रखना, ए आर विलियम्स। तो इसके जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं, वो है ए आर विलियम्स। अगला क्वेश्चन कहता है टूट वॉज डिस्कवर्ड आफ्टर, टूट को कितने वर्षों के बाद डिस्कवर किया गया है, खोजा गया है। तो इसको खोजा गया था 3300 ईयर्स आफ्टर, ठीक है, मतलब 3300 साल के बाद खोजा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है टूट्स टॉम्ब वॉज डिस्कवर्ड इन, टूट्स का टॉम्ब को कब खोजा गया था, ये तो कितने सालों बाद खोजा गया था, 3300 साल बाद, लेकिन कब, कौन सा साल में खोजा गया था। तो इसको खोजा गया था 1922 में, कब, 1922 में। अब टूट का टॉम्ब को कौन खोजा था, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, तो एकदम रट के रखना, हार्वर्ड कार्टर, किसने खोजा था, हार्वर्ड कार्टर। और हार्वर्ड कार्टर जो था वो एक ब्रिटिश पुरातत्व विज्ञ था, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट था। तो हार्वर्ड कार्टर वॉज अ डैश आर्कियोलॉजिस्ट, तो आपको किसको टिक करना है, ब्रिटिश, ठीक है। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कार्टर फाउंड द ममीफाइड बॉडी, जो ममी जो बन जाता है, मतलब सूख जाता है पूरा देह, शरीर सूख जाता है उसका मरने के बाद, वो सीमेंटेड था, मतलब जकड़ा हुआ था, टू द बॉटम ऑफ द, और किसके तल से जकड़ा हुआ था, जो शरीर था टूट का, तो जकड़ा हुआ था गोल्ड कॉफिन, तो उसका जो ताबूत था वो सोना का था, सोना का ताबूत से वो पूरा शरीर जकड़ा हुआ था उसका, टूट का मम्मी का। अगला क्वेश्चन कहता है टूट्स ग्रैंडफादर अमेनहोटेप थर्ड रूल्ड फॉर, तो अमेनहोटेप जो थर्ड था वो कितने वर्षों तक शासन किया था, तो शासन किया था कितने वर्षों तक, 40 वर्षों तक, है ना, 40 वर्षों तक शासन किया था। किंग टूट वॉज द लास्ट हेयर ऑफ पावरफुल डायनेसिटी ऑफ रूलर्स इन एंसेंट, तो किंग जो टूट था, जो राजा टूट था, वो शक्तिशाली उत्तराधिकारी था, कौन सा शासन का, कहाँ का शासन का, प्राचीन कौन कहाँ का, तो ये इजिप्ट का, मिस्र देश का बात हो रहा है, मिस्र देश में ये सब था। अगला क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी डिजिटल इमेजेस वेर टेकन वाइल स्कैनिंग द ममी फ्रॉम हेड टू टो, तो कितना डिजिटल स्कैन लिया गया था, मतलब सिटी स्कैन कितना किया गया था, कितना स्लाइसेस में स्कैन किया गया था, तो वो स्लाइस आपकी बुक में लिखा हुआ है, आंसर डे बुक में आप देखिएगा, 1700 स्लाइसेस किया गया था, कितना, 1700। टू प्रूव द सीक्रेट्स ऑफ टूट्स डेथ हिज हेड वॉज स्कैन इन स्लाइसेज ऑफ, और उसके सर का जो स्लाइस है, यानी कि खोपड़ी का जो परत था, वो परत परत करके स्लाइस करके स्कैन किया जाता है, तो कितना मिलीमीटर का स्लाइस किया गया था, 0.62 मिलीमीटर का, यह भी एनसीईआरटी बुक में, हॉर्नबिल जो आपका बुक है उसको जाकर के एनसीईआरटी का देखिएगा, आपको मिल जाएगा, 0.62 मिलीमीटर था। अगला क्वेश्चन किंग टूट इज वन ऑफ द डैश मम्मीज टू बी स्कैंड इन डेथ एज इन लाइफ, तो किंग टूट ये कैसा था, पहला कोई मम्मी था जिसका शरीर को स्कैन किया गया था, है ना, मरने के बाद। रे जॉनसन डिस्क्राइब्ड अखनेटन किंग टूट्स प्रीडेसेसर एज, तो ये भी आपको बुक में मिल जाएगा, रे जॉनसन ने अखनेटन जो किंग था टूट्स का प्रीडेसेसर, उससे पहले वाला, इससे पहले वाला, उसको क्या कहा था, वैकी, मतलब मजाकिया, इनकी जिसका थोड़ा कम दिमाग रहता है ऐसे टाइप का, तो उसको जिक्र किया हुआ है वैकी, आप एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, आपको वैकी मिल जाएगा शब्द। अगला क्वेश्चन जाही हवास वॉज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट, तो जाही जो हवास है वो कौन था, तो जाही हवास था सेक्रेटरी जनरल, क्या था, ये सेक्रेटरी जनरल थे सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज के, तो जाही हवास कौन थे, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज के सेक्रेटरी जनरल थे। अगला क्वेश्चन कहता है टूट चेंज हिज नेम फ्रॉम तूतन खातेन टू, तो याद रखना है आपको तूतन खामुन, तो टूट का नाम बदल दिया गया था, या तो चेंज हो गया था तूतन खातेन से तूतन खामुन। अगला क्वेश्चन डैश वॉज द लास्ट हियर, यानी कि उत्तराधिकारी था पावरफुल इजिप्शियन डायनेसिटी, जो शक्तिशाली जो मिस्र का जो साम्राज्य था, तो उसका अंतिम शक्तिशाली अधिकारी कौन था, तो यह था किंग टूट, कौन था,
किंग टूट, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है हु डिस्कवर्ड टूट्स टॉम, किसने खोजा था टूट के टॉम को। तो ये आपका बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसने खोजा था, हार्वर्ड कार्टर ने। किसने खोजा था, हार्वर्ड कार्टर ने। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ टूट्स ममी, सबसे गजब सा फीचर क्या था, सबसे गजब सा लक्षण क्या था, गुण क्या था टूट के ममी का, यानी कि उसके शरीर का। तो वो था टूट्स गिल्डेड फेस, गिल्डेड मतलब सोना का मुखौटा जैसा लगा हुआ था, है ना, टूट के चेहरे पर। तो वही उसका सबसे यूनिक फीचर कह सकते हैं या फिर स्ट्राइकिंग फीचर था। अगला क्वेश्चन क्या था, हु डिस्कवर्ड किंग टूट्स टॉम इन 1922, ये आपका बोर्ड एग्जाम में फिर से पूछा हुआ है। तो किसने खोजा था, एकदम रट के रखिए, हार्वर्ड कार्टर, है ना। कब खोजा, 1922 में खोजा था। ऐसे करके यही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहता है इसका। इस तरह से हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो बनाते रहते हैं, और जो चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को देखने के लिए सभी को थैंक यू।